हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल राज एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप हमारा एकमात्र भारत का ऐप है जो कि ड्राइवर एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है। भारत में आपको ऐसा कोई सा भी ऐप नहीं मिलेगा जो केवल ड्राइवर भर्ती की तैयारी करवाता हो, और इतनी शानदार तैयारी इतने कम दामों में, मात्र का शुल्क आपको यहाँ पर पे करना होता है और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2022 के बारे में। टेस्ट संख्या 4 जो हमने स्टडी एट होम पे फ्री अपलोड किया था, 50% यहाँ पर आपको दिए गए थे। पूर्ण रूप से आपका जो सिलेबस है उसके बेस्ट पर यह टेस्ट हुआ था। तो दोस्तों हमने नाम लिखा है सावधान। तो दोस्तों बिल्कुल आपको सावधान हो जाना चाहिए। मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, चाहे वो मॉडल पेपर की बात करें, चाहे प्रैक्टिस सेट की बात करें, किसी भी प्रकार से हम बात करें, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हर लोग है वो टेक्निकल, यानी कि जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो भर्ती होने वाली है इसमें 100% आएंगे आपके। 100 में से दोस्तों जो 50% है वो ड्राइविंग से संबंधित आएंगे, और 50% है वो आपके मैथ, रीजनिंग और दोस्तों यहाँ पर जो जनरल नॉलेज है वहाँ से आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि ये 50% जो ड्राइविंग से संबंधित आएंगे तो वो कहाँ से आएंगे। एक तो होता है दोस्तों ड्राइविंग स्किल, एक होता है दोस्तों ड्राइविंग मेंटेनेंस। तो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट से कौन कितने पर्सन आएंगे, और आएंगे भी तो कैसे पर्सन आएंगे? क्या जो ITI में पढ़ते हैं या जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, क्या वो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं? तो दोस्तों ये हम जानने का आज प्रयास करेंगे। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आज का ये जो हमारा टेस्ट है वो आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। वो आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपकी जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो नींव है वो पैदा हो जाएगी। नींव है उसको आप मजबूत बना लोगे, और उस नींव के बाद में अगर आप तैयारी करते हैं, तैयारी में ये नहीं कहता कि मेरे पास ही आकर करें, आप तैयारी जहां पर आपको लगता है कि वो टीचर सबसे बेस्ट पढ़ा रहा है वहां से तैयारी करें, सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको जहां पर लगती है वहीं से तैयारी करनी है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जानना जरूरी है कि दोस्तों पेपर कैसा आएगा। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि पेपर है वो कैसा आएगा। कहीं आप कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं? अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ये टेस्ट जरूर देना है। और आप अगर 2 से 3 महीने में तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें अगर 40 नंबर भी लेकर आते हैं इस टेस्ट में, तो दोस्तों मैं आपको मान जाऊंगा यहाँ सच में आप तैयारी कर रहे हैं। ये आपको टेस्ट कैसे देना है, स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसमें ये आपको 3 जगह मिल जाएगा, या तो आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो टेस्ट सीरीज है उसमें जाना है, या आप मॉक टेस्ट में जा सकते हैं, या जो डेली क्विज है यहाँ पर जा सकते हैं। 3 जगह कहीं पर जाके आप ये टेस्ट दे सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों पूर्ण रूप से आपका जो सिलेबस है उस पर आधारित ये आज का टेस्ट रहने वाला है। इस पेपर के हिसाब से आपने तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कि सबसे जरूरी कोई भी लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो उचित कार्यवाही है, जो उचित तैयारी है, जो उचित अभ्यास है, वो आपको करना है। आपको जाना तो जयपुर है, आप जाते हैं दिल्ली हैं, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी ये आप ही जानते हैं। तो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप पर ये रहेगा, कॉल भी आप कर सकते हैं। इस पेपर का PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो से हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सबसे जो पहला टेस्ट है दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए, सबसे पहला जो टेस्ट है आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, यूट्यूब पर पहला है। बाकी स्टडी एट होम पे लगातार हम डेली टेस्ट है वो कोर्स में लेते हैं, तो डेली टेस्ट आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने कोर्स ले रखा है तो। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न था, यह चित्र अनिवार्य संकेत दर्शाता है। यह चित्र अनिवार्य संकेत है वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। प्रवेश निषेध, सबसे पहला प्रवेश निषेध, अनिवार्य रोक समाप्ति चिन्ह, दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य रूप से रास्ता दें। तो दोस्तों ये सभी जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। रेस्ट्रिक्शन एंड, अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंड, यानी कि रोक समाप्ति चिन्ह या अनिवार्य रोक समाप्ति चिन्ह। तो दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, अगर अनिवार्य रोक समाप्ति चिन्ह आ जाए तो भी ठीक है, और रोक समाप्ति चिन्ह आ जाए तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिला है। आप जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न था, उत्सर्जन मापदंडों के संदर्भ में BS के संबंध में गलत कथन चुने। यानी कि आपको ये 4 जो सेंटेंस दे रखे हैं इनमें से आपको गलत कथन कौन सा है वो बताना है। तो BS का मतलब भारत स्टेशन, ये भी हमने हिंट दे दिया था आपको समझने के लिए। सबसे पहला प्रश्न, ऑप्शन, यह एक प्रदूषण का मानक होता है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत स्टेज फर्स्ट के साथ 2000 में की गई, भारत स्टेज थर्ड को 2005 में लागू किया गया। कोई भी कथन गलत नहीं है।
तो दोस्तों यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई सा भी कथन है वो गलत नहीं है, सारी की सारी बातें यहां पर सही है, यानी कि एक प्रदूषण मानक भी है, इसकी शुरुआत 2001 में भारत स्टेज फर्स्ट की शुरुआत 2000 में हुई, ये भी बात सही है। भारत स्टेज थर्ड है उसको दोस्तों 2005 में लाएगा, ये भी सही है, क्योंकि पहला है उसको 2000 में स्टार्ट किया गया, दूसरा 2001 में था, और तीसरा है दोस्तों 2005 में था, और चौथे की बात करें तो चौथा 2017 में था, और पाँचवा लाया नहीं गया, और छठा दोस्तों 2020 में लाया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। वैसे जो भारत स्टेज इस पर हमने टॉपिक है वो बना दिया है, कोर्स में हमने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। नंबर तीन है, चित्र का अनिवार्य चिन्ह दर्शाता है, जैसा कि इसमें गोल आकृति है, साइकिल बनाई गई है और साइकिल को काट दिया गया है, यानी कि ये एक अनिवार्य संकेत है और साइकिल निषिद्ध को दर्शाता है, यानी कि आपको साइकिल नहीं चलानी है, तो ऑप्शन नंबर बी साइकिल निषिद्ध इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स इस पे ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि सर इसका ऑप्शन ये होगा वो होगा, आपने ऑप्शन गलत दिए हैं वो दिए हैं, तो सारी चीज़ों पे हम आज डिस्कशन है वो करने वाले हैं। दोस्तों ये वही टेस्ट है जो आपको पिछले संडे को है, वो आपको स्टडी एट होम पर एक चैलेंज के रूप में मिला था, और मैंने ये घोषणा की थी इस टेस्ट में जो प्रथम रैंक प्राप्त करेगा उसको दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो ऑनलाइन कोर्स है वो फ्री में दिया जाएगा, और दोस्तों जो नेक्स्ट संडे आने वाला है उसको भी हम एक टेस्ट रखने वाले हैं, उसमें भी अगर जिसने पहली रैंक प्राप्त की दोस्तों उसको भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का है वो कोर्स फ्री में वो दिया जाएगा। अगर आपने पहले से कोर्स ले लिया है तो दोस्तों आप किसी अपने दोस्त को है वो कोर्स दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर रहेगा। प्रश्न संख्या हम चार देखते हैं, वाहनों के संबंध में सुरक्षा मानकों के संबंध में गलत कथन बताइए। दोस्तों ये पूर्ण रूप से जो आपके एसएससी का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर दोस्तों ये पेपर बनाया गया है, आप पूरा पेपर देखोगे तब पता चलेगा सच में पेपर कैसा होता है। हम कहीं भी से भी कुछ भी प्रश्न उठा के पटक देते हैं और ये कह देते हैं ये टेस्ट है, तो ऐसे टेस्ट नहीं होते, टेस्ट बनाने में समय व्यतीत होता है और दोस्तों काफ़ी समय वो आपको लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। तो आप इस पेपर को ध्यान से देखें, यानी कि सुरक्षा मानकों के संबंध में गलत कथन बताना है, वाहनों के संबंध में जो सुरक्षा मानक होते हैं, नंबर एक है हेलमेट ISI से प्रमाणित होना चाहिए, नंबर दो ISI का पूरा नाम भारतीय मानक संस्थान है, ठीक है, नंबर तीन ISI का नाम 1987 में बदलकर BIS कर दिया गया है, नंबर चार BIS का पूरा नाम भारतीय मानक संस्थान है। तो आपको बताना है गलत कथन, तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BIS, यानी कि BIS का पूरा नाम भारत मानक संस्थान नहीं है, भारत मानक संस्थान तो दोस्तों किसका है ISI का पूरा नाम है, जबकि भारत BIS है इसका पूरा नाम है भारतीय मानक ब्यूरो, इसका आपको ध्यान में रखना है, जो इसका जो हिंदी में नाम है भारतीय मानक है वो ब्यूरो है। यहां पर मैं फुल फॉर्म की बात करता हूं तो ISI का पूरा नाम तो हो जाता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्थान जो शब्द आ रहा है यहाँ पे, जो संस्थान शब्द आ रहा है इसका हो जाएगा इंस्टीट्यूशन, लेकिन BIS में यहाँ बी आ रहा है इसका मतलब होता है ब्यूरो, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो हिंदी में नाम में बात करूँ तो, यहाँ संस्थान की जगह ब्यूरो आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या पाँच देखते हैं, वह संकेत जो किसी कार्य को अनिवार्य रूप से नहीं करने का संकेत करते हैं। अब देख दोस्तों यहाँ पर जो स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई कर रहा है, जो हमारे जो ऑनलाइन कोर्स में क्लास ले रहा है उसको तो पता ही है वैसे, यानी कि किसी भी कार्य को अनिवार्य रूप से करने के रूप में कहते हैं। दोस्तों तीन प्रकार के साइन होते हैं, एक होते हैं अनिवार्य संकेत, नंबर एक, नंबर दो होते हैं चेतावनी, और नंबर तीन होते हैं सूचनात्मक। तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि तो अनिवार्य संकेत होते हैं, इनका पालन करना कंपलसरी है, आप जो ये अनिवार्य संकेत कहते हैं वो आपको करना ही होता है। नंबर दो चेतावनी संकेत होते हैं, हम चेतावनी संकेतों की पालना करें या ना करें ये हमारे पे डिपेंड करता है, हम नहीं करते हैं तो थोड़ा सा दुर्घटना की स्थिति रहती है, और अगर हम पालन कर लेते हैं तो दोस्तों दुर्घटना की संभावना कम रहती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, हमारे पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। नंबर तीन सूचनात्मक है, इनका भी पालन करें ना करें हमारे लिए जरूरी है वो नहीं होता है। सबसे जरूरी होता है जो अनिवार्य संकेत होते हैं, कंपलसरी संकेत होते हैं, उन्हें हम आदेशात्मक संकेत भी बोलते हैं। तो जो आदेशात्मक संकेत होते हैं, इन आदेशात्मक संकेतों को ही अनिवार्य संकेत के नाम से है वो जाना जाता है, अंग्रेजी में हम कंपलसरी या मैंडेटरी साइन है इन्हें कह सकते हैं। तो ये संकेत है वो या तो देखो दोस्तों मैं आपको दो संकेत बताऊंगा, दो संकेत है, दोनों ही गोल आकृति में है, दोनों में हॉर्न बनाया गया है, ठीक है, एक में तो हॉर्न को काट दिया गया है, एक में काटा नहीं गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हॉर्न को काटा गया है मतलब कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है और ये आपके लिए एक आदेश है। इसमें हॉर्न का चिन्ह बनाया गया है इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको हॉर्न बजाना है,
यानी कि आपको यहाँ पर हॉर्न का प्रयोग करना है, यानी आपको ये काम करना है, तो मतलब कि जो आदेशात्मक संकेत होते हैं वो किसी कार्य को करने या नहीं करने का संकेत करते हैं। तो इसमें ये पूछा है किसी कार्य को अनिवार्य रूप से करने का संकेत देता है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा आदेशात्मक संकेत। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। यह चिन्ह दर्शाता है गोल आकृति में 30 बनाए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक होता है 50 लिखा हुआ, माना कि ये कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। ये दोस्तों यहाँ पर जो ये होता है ये रेड बॉर्डर में होता है और बीच में ब्लैक कलर में होता है, और ये जो है बनाया हुआ मैं इसको जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं इसमें दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर जो ये संकेत दिख रहा है ये कहता है कि जिस सड़क पर आप चल रहे हैं वहाँ पर आपको अपनी गाड़ी को कम से कम 30 की स्पीड या इससे अधिक गति पर चलाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है आप तेज चलाओ, जबकि जो रेड बॉर्डर में ब्लैक कलर में 50 लिखा होता है वो कहता है आपको इस गति से कम या इस गति से अधिक नहीं चलाना है। जबकि ये जो संकेत बोल रहा है आपके सामने इस प्रश्न में, ये संकेत जो आपके नीली पृष्ठभूमि में 30 लिखे हुए हैं व्हाइट कलर में, ये कह रहा है कि आपको अपनी गाड़ी है वो कम से कम 30 की चलानी होगी या इससे अधिक चलानी होगी, मतलब कि ये संकेत आपको गाड़ी को तेज चलाने का संकेत कह रहा है। और जो कि रेड कलर में वो जो होता है 50 वाला, वो दोस्तों आपको कहता है कि आपको गाड़ी इस 50 की स्पीड से कम की स्पीड पे चलानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम क्या है, वाहन को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर न चलाएं, ये बात भी सही है, वाहन को कम से कम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलाएं, इसका मतलब है गति पर चलाएं मतलब कि आपको केवल 30 पे ही चलना है, न कि कम न ज़्यादा, वाहन को 30 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक गति से चलाएं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न आता है तो वहाँ पर अगर जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जो सबसे अच्छी व्याख्या करता है, उसी को आपको सही करना होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, वाहन को 30 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक गति पर चलाना है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन नंबर 6 इसमें करेक्ट है, वो करना है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, किसी खराब वाहन को एक रस्सी से बांध कर ले जाया जा रहा है तो रस्सी की अधिकतम लंबाई होगी, यानी कि दो वाहन है, एक वाहन खराब हो चुका है तो पिछले वाहन को और अगले वाहन को यहाँ पर हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जोड़ते समय जो रस्सी काम में आएगी उस रस्सी की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, यह आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसमें ऑप्शन है 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। यहाँ पर दोस्तों अगर फीट में पूछ ले तो आपको 15 फीट इसका आंसर करना है, अगर मीटर में पूछ ले तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 मीटर ऑप्शन में राइट करना है। तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि 5 मीटर में तो 15 फीट से ज़्यादा होता है, आपको यहाँ पर ज़्यादा गणित नहीं लगानी है कि कितने मीटर में कितने फीट होते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर मीटर में पूछे तो दोस्तों 5 मीटर करना है, फीट में पूछे तो आपको 15 फीट करना है, ये दोनों फैक्ट है, एकदम सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भी टोचन करके किसी गाड़ी को हम ले जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो रस्सी का प्रयोग करेंगे उस रस्सी की लंबाई है अधिकतम 5 मीटर हो सकती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, धारा से मैंने आपसे पूछा है, प्रश्न संख्या 8 है कि मोटर वाहन अधिनियम की नीचे दी गई धाराओं के संबंध में सही मेल नहीं है, यानी कि गलत कथन आपको यहां पर बताना है जो सही से मेल नहीं खाता है। क्या धारा 180 है, अयोग्य व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना मालिक की जिम्मेदारी, बिल्कुल सही कथन है। धारा 181, अयोग्य होने के बावजूद वाहन चलाना स्वयं की जिम्मेदारी, यानी आप योग्य नहीं है। धारा 3 और धारा 4 का आप उल्लंघन करते हैं तो दोस्तों ये किसकी जिम्मेदारी है, तो ये स्वयं की जिम्मेदारी है, यानी कि 180 का ये मतलब तो ये हो गया कि आप नाबालिग है, 15 या 16 साल के हैं और आपने तो चोरी आपने वाहन चला लिया, तो ये बस आप ये सोचेंगे भी मैं तो छोटा हूँ 18 साल से और ये मैंने वाहन चला लिया तो वाहन मालिक वो फंसेगा, तो ऐसा नहीं है। इस स्थिति में 180 तो ये कहता है कि वाहन का मालिक है उसकी जिम्मेदारी है, वो अपराधी होगा, और 181 कहता है कि अयोग्य होने के बावजूद अगर आप वाहन चलाते हैं तो आप स्वयं की भी जिम्मेदारी है, आप भी अपराधी हैं, दोनों अपराधी होते हैं। 182 है लाइसेंस के संबंध में अपराध करना, यानी कि लाइसेंस आप बना लेते हैं तो लाइसेंस का आप उल्लंघन कैसे करते हैं, उल्लंघन कई प्रकार से हो सकता है, यानी कि आपके पास में हल्का मोटर वाहन का लाइसेंस है आप भारी वाहन चलाते हैं या खतरनाक माल वाहन चलाते हैं, या आपके पास में शिक्षार्थी लाइसेंस है और आप शिक्षार्थी से कोई वाहन को मतलब कि परिवहन वाहन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो ये भी एक प्रकार से इसका अपराध है, या जो कंडीशंस होती है आपके वाहन का जो परमिट है आप उस परमिट
से हटकर कुछ अलग काम के लिए उस वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, या आप रेड जो लाइट है उसका आप उसको क्रॉस करते हैं इस प्रकार से, यानी कि आप जो लाइसेंस की जो कंडीशंस होती है उसका उल्लंघन करते हैं, उसे कहते हैं लाइसेंस के संबंध में अपराध करना। तो धारा 182 ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, जो धारा 183 है ये एक यहां पर आपको ये पूछा गया कि भी धारा 183 किससे संबंधित है खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो खतरनाक तरीके से जो वाहन चलाते हैं उसका संबंध है दोस्तों धारा 184 से, और 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो ये दोनों धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनके संबंध में काफी ज्यादा ध्यान है वो आपको रखना पड़ेगा। तो आपको धारा 184 यानी कि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना। तो यहां पर मैं आगे बात करता हूं प्रश्न संख्या 9 के बारे में, चित्र का चेतावनी चिन्ह है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रोड तो इस प्रकार से यहाँ सीधी है और यहाँ छोटी सी सड़क यहाँ पर इस प्रकार से भी है, तो बगल में दाएं सड़क, बगल में बाएं सड़क, दचकीली सड़क, मुख्य सड़क, तो यहाँ पर एकदम सिंपल प्रश्न है, यहाँ की राइट साइड में है तो मतलब कि दाएं साइड में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कौन सा कथन सही नहीं है। फ्लैशिंग लाल बत्ती, यानी कि एक बार ऑन हो रही है एक बार ऑफ हो रही है, फ्लैशिंग का मतलब होता है लाइट है वो जल रही है बुझ रही है, जल रही है बुझ रही है। स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुकें तभी आगे बढ़ें जब सुरक्षित हो, बिल्कुल सही बात है। फ्लैशिंग पीली बत्ती, धीमे व सावधानी पूर्वक चलते रहें, बिल्कुल सही बात है। फ्लैशिंग अगर पीली बत्ती है तो आपको वाहन की गति धीमी कर लेनी है और सावधानी से आगे बढ़ना है। हरी बत्ती, अपनी उचित लेन में रहते हुए तीर की दिशा में पीछे की ओर बढ़ सकते हैं, यहाँ पर देखो आगे की ओर बढ़ना होता है लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हरी बत्ती है तो आपको पीछे की तरफ बढ़ना है तो ये गलत हो जाएगा। लाल बत्ती का मतलब होता है पहले स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले आपको रुकना, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, वो पूरा इस ऑप्शन को पढ़ते तो है नहीं और पहले टिक कर देते हैं, तो आपको पूरा ऑप्शन है वो पढ़ना है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 है हमारे सामने, निम्न में से गलत कथन को चुनना है। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर 1 है, निजी वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र 15 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है, या चाहे निजी हो चाहे परिवहन हो, जो आपका पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी जो होता है वो 15 साल के लिए ही जारी होता है। ऑप्शन नंबर 2, परिवहन वाहनों को भी पंजीकरण प्रमाण पत्र 15 वर्ष के लिए जारी किया जाता है, ये भी सही है। निजी वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र 5 साल के लिए जारी किया जाता है, दोस्तों ये 5 साल के लिए जारी नहीं होता। परिवहन वाहनों का फिटनेस 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी, एक तो भाई आपने आरसी के बारे में जान लिया कि भाई आरसी है वो हमेशा पहली बार 15 साल की जारी होती है, और दूसरी बार है दोस्तों 5 साल के लिए जारी होती है, यानी जैसे ही 15 साल कंप्लीट होते हैं उसके बाद में प्रत्येक 5 साल के लिए जारी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फिटनेस प्रमाण पत्र के बारे में बात करता हूँ। तो एक तो होता है निजी वाहन यानी कि पर्सनल व्हीकल, तो निजी वाहनों को दोस्तों फिटनेस प्रमाण पत्र है वो आपको 15 साल के लिए जारी होता है, जितना आपका आरसी होगा उतना ही आपका फिटनेस होगा। लेकिन यहाँ पर निजी के बारे में भी बात करूँ, दूसरी बार में 5 साल के लिए जारी होगा, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा, निजी वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र 5 साल के लिए जारी होता है, ये गलत कथन है, क्योंकि निजी वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र है वो 15 साल के लिए जारी होता है, ये तो दूसरी बार कंडीशन होगी। अगर मैं यहाँ लिखता कि भी 15 साल के बाद में 5 साल के लिए होगा तो ये गलत हो जाता, ठीक है, मतलब सही हो जाता। चौथा प्रश्न है, परिवहन वाहनों का फिटनेस 1 वर्ष के लिए जारी होता है, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि परिवहन वाहन होते हैं इनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो नए वाहन खरीदेंगे तो 2 साल के लिए जारी होगा, और जैसे ही 2 साल कंप्लीट होंगे तो उसके बाद में आपको प्रत्येक साल का फिटनेस प्रमाण पत्र है वो बनवाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें याद रखोगे तभी आप एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर है वो कर पाओगे। प्रश्न संख्या 12 है, चेतावनी चिन्ह दर्शाता है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर ये घाट सा बना हुआ है या नदी है तो यहाँ पर नदी मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, चेतावनी चिन्ह है ये। प्रश्न संख्या 13 है, चित्र का सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है, एक चारपाई बनी हुई है, आप सभी को पता चारपाई जहाँ पर होगी वो अस्पताल होगा, चारपाई के चार पैर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, केवल चारपाई मतलब विश्राम स्थल होगा, केवल प्लस का निशान मतलब कि प्राथमिक उपचार केंद्र होगा, अगर दोनों है तो इसका मतलब कि क्या है, ये अस्पताल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, अस्पताल। अगले प्रश्न पर मैं चलता हूँ, प्रश्न संख्या 14, ये चित्र सूचनात्मक संकेत दर्शाता है, यहाँ पर आपको एक रोड यहाँ दिख रही है, एक बगल में छोटी सी सड़क दिख रही है और यहाँ पर रेड कलर में ऐसा क्रॉस दिख रहा है आपको जैसा कि यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि आगे सड़क नहीं है यानी कि साइड रोड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 हम देखते हैं, चित्र का सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है, तो यहाँ पर सिंपल चीज़ है, ट्रेन दिखाई दे रही है तो रेलवे स्टेशन हो जाएगा।
पर्सन सिंह की हम 16 पे बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल पर्सन है, गाड़ी में जो ड्राइवर है अपने हाथ को बाहर क्यों निकाल रहा है, केवल निकाले हुए ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कर रहा है, तो दाएं मुड़ने का इरादा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये धीरे करने का संकेत होता तो ये अपने हाथ को ऊपर नीचे की ओर है वो करता, तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अगर ये अपने हाथ को इस प्रकार से ला के ऊपर की ओर कर देता तो दोस्तों इसका मतलब होता कि ये आपको क्या कहें रुकने का मतलब संकेत कर रहा है, और अगर दोस्तों ये ऊपर नीचे करता इसका मतलब क्या होता है गाड़ी को धीमे करने का संकेत होता है। ऊपर नीचे करने का मतलब है धीमा करना, और इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाता है ऊपर की ओर करता है हाथ को इसका मतलब है रुकना, और केवल बाहर की ओर निकालने का मतलब क्या होता है यानी कि दाएं साइड में मुड़ना। तो इनमें सभी में अंतर है। प्रश्न संख्या 17 है, ये क्या संकेत करता है, तो ऑप्शन नंबर एक हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई इसके हाथों की पोजीशन, ये जो यहाँ से इधर ओर से जो आ रहे वाहन है इनको तो रोकने का संकेत कर रहा है, इनको तो रोकने का कर रहा है, और ये हाथ क्या कर रहा है कि आप जाइए। हमें केवल इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि भाई रोकने का किस में कह रहे हैं, तो यहाँ बाएं से आने वाले वाहनों को जाने का अनुरोध गलत हो जाएगा, दाएं के वाहन आगे बढ़े और बाएं को रोकने का अनुरोध, ये मतलब कि बाएं का रोकने का तो सही आ रहा है, आगे और पीछे के वाहनों से रुकने का संकेत आगे और पीछे दोनों, ये भी गलत हो जाएगा। पीछे से आ रहे वाहनों को रोकना, पीछे के वाहनों को भी नहीं रोक रहा, क्योंकि पीछे के वाहनों को कैसे रोकते हैं केवल हाथ ऐसे करके रोकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि दाएं के वाहन आगे बढ़े और बाएं के वाहनों को रोकने के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, वाहन के डैशबोर्ड लाइट का क्या संकेत है, यानी कि वाहन डैशबोर्ड लाइट है वो क्या संकेत कर रही है। तो यहाँ पर सिंपल प्रश्न है, एक गोल आकृति है पी बनाया गया, यानी पार्किंग पी से पार्किंग हो जाता है, लेकिन गोले के बाहर अगर इस प्रकार से कोष्ठक नजर आ जाए तो इसका मतलब होता है ब्रेक, तो यानी कि ये किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, पार्किंग ब्रेक वार्निंग लाइट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, वाहन डैशबोर्ड लाइट क्या संकेत कर रही है, क्लच प्लेट, टायर प्रेशर, ब्रेक पेड, ग्लो प्लग। तो दोस्तों क्लच प्लेट है, दोस्तों क्लच प्लेट के का ये संकेत नहीं होता, टायर प्रेशर का भी ये नहीं होता, ब्रेक पेड का भी मैंने बताया गोल आकृति में, ब्रेक तो वहाँ होगा जब भी आपके गोल आकृति के बाहर कोष्ठक बना होगा, तो इसका समझ लेना कि ये संबंध इसका संबंध है वो ब्रेक से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लो प्लग। अब दोस्तों आप कहेंगे ये ग्लो प्लग क्या होता है, तो दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा हीटर प्लग, क्या नाम सुना होगा हीटर प्लग, जो कि डीजल इंजन में होता है, कौन सी इंजन में होता है डीजल इंजन में। अब आप कहोगे कि डीजल इंजन में हीटर प्लग का क्या उपयोग है, तो आप दोस्तों देखते हैं कि इंजन दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः, एक तो होता है पेट्रोल इंजन, एक होता है डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन होता है पेट्रोल को हम स्पार्क प्लग की चिंगारी से जलाते हैं तो ठीक है, लेकिन डीजल इंजन में हम देखते हैं कि स्पार्क प्लग नहीं होता, तो फिर वो डीजल जलता कैसे है, तो हम देखते हैं कि जो डीजल इंजन होता है डीजल इंजन में हवा को क्या करते हैं गर्म करते हैं, किसको हवा को गर्म करते हैं, और इस गर्म हवा पर हवा गर्म कब होगी जब इसको दबाया जाएगा, तो गर्म हवा पर डीजल स्प्रे करेंगे तो डीजल जलेगा, लेकिन सर्दी के मौसम में उल्टा होगा, सर्दी के मौसम में इंजन ठंडा हो गया है, अब इस ठंडे इंजन में एकदम पूरी जो माइनस में अगर टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में अगर आप वाहन को स्टार्ट करेंगे तो इंजन अंदर से हवा गर्म होगी नहीं, क्योंकि इंजन पूरी तरह से ठंडा है, तो फिर इस इंजन को गर्म कैसे करें, इसे गर्म करने के लिए जो इंजेक्टर होता है उसके पास में हम एक हीटर प्लग लगाते हैं। हीटर प्लग का काम होता है कि जब इंजन ठंडा हो जाए तो ये इग्निशन को ऑन करते ही कुछ ही समय में जो सिलेंडर होता है अंदर सिलेंडर जहाँ पर हम ईंधन को जलाते हैं उसके अंदर का जो तापमान है उसको बढ़ा देता है, यानी कि हीटर है वो ऑन होकर वहाँ का अंदर का जो तापमान है उसको बढ़ा देगा, जिससे कि इंजन है वो हवा को गर्म करेगा तो डीजल स्प्रे करने पर डीजल जल जाएगा और जलने से इंजन है स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हीटर प्लग या ग्लो प्लग का उपयोग है वो डीजल इंजन में सामान्यतः सर्दी के मौसम में इंजन को गर्म करने के लिए काम है वो लिया जाता है या आता है, ठीक है, ये बैटरी से काम करता है और इंजन के स्टार्ट होने से पहले काम करता है, बाद में तो अपने आप इंजन है वो जो सिलेंडर होगा उसको गर्म कर देगा, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 20 के बारे में देखते हैं, वाहन डैशबोर्ड लाइट क्या संकेत कर रही है, तो आपको यहां पर दिख रहा है ये एक गियर का आपको सिंबल दिख रहा है, तो यह ट्रांसमिशन सिस्टम चेतावनी लाइट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्यादा यहां पर टाइम कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। अनिवार्य साइकिल लेन साइन का हाशिया किस रंग में होता है, दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया हाशिया, हाशिया किसे कहते हैं बॉर्डर को कहते हैं, किसे कहते हैं बॉर्डर को कहा जाता है,
तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, मैंने यहाँ पर एक सब लिखा है बॉर्डर नहीं होता, एक लिखा है नीले रंग में। आपको पता है जो अनिवार्य साइकिल लेन होता है उसका जो गोल आकृति होती है ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये पूरा का पूरा ही नीले कलर में होता है और बीच में साइकिल बनाई होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हाशिया, किसे कहते हैं हाशिया बॉर्डर को, इसका बॉर्डर क्या होता है, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है इसके साथ में ही इसका बॉर्डर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर अगर बॉर्डर या हाशिया पूछे तो आपको यहाँ पर नीले रंग का बताना है। हालांकि मैंने ऑप्शन नंबर डी देने से आप कंफ्यूज हो गए हैं, यहाँ पर मैं अगर इसमें सफ़ेद रंग ऑप्शन देता आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें सफ़ेद रंग का ऑप्शन आता, यहाँ पर आपको डी जो ऑप्शन आ रहा है इस डी को आप सफ़ेद रंग पढ़ें कि ऑप्शन नंबर डी में है सफ़ेद रंग। अब आप क्या करेंगे, यानी कि नीला रंग, काला रंग, लाल रंग, सफ़ेद रंग, इनमें से हाशिया किस कलर का होता है, तो जो अनिवार्य संकेत होते हैं साइकिल लेन, तो इसका जो मतलब कि हाशिया होता है या पृष्ठभूमि होती है वो नीले रंग में होती है। आपने इस संकेत का भी आपने एक संकेत देखा होगा जो कि न्यूनतम गति को दर्शाता है, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसमें जिस प्रकार से यहाँ पर जो नीला कलर बना हुआ है यहाँ पर तो ये गति को बता रहा है लेकिन वहाँ पर अंदर साइकिल बनी होगी तो इसका मतलब होगा कि अनिवार्य साइकिल लेन। तो आपको इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि भी हाशिए का रंग भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। नंबर 22 प्रश्न है, हॉर्न बजाना अनिवार्य संकेत जो है साइन का चिन्ह किस रंग में होता है। दोस्तों तीन चीज़ें होती है जो प्रत्येक संकेत होता है उसमें तीन चीज़ें होती है, एक तो होता है बॉर्डर, एक होता है पृष्ठभूमि, एक होता है संकेत का जो चिन्ह मेन चिन्ह होता है। तो यहाँ पर एक तो बॉर्डर यानी कि गोल आकृति, इसका बॉर्डर कैसा होता है अनिवार्य संकेतों में ज़्यादातर किस में होता है, या कि या तो इसका मतलब कि रेड कलर में होता है और जो किसी कार्य को करने का संकेत करते हैं उनमें नीले रंग का होता है। तो यहाँ पर आपको हॉर्न बजाना अनिवार्य यानी हॉर्न बजाने की ओर बता रहा है तो इसका भी किस कलर में होगा, नीले रंग में होगा। क्या होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर संकेत यहाँ की बॉर्डर नहीं पूछा, यहाँ पर साइन का चिन्ह पूछा है। तो साइन का चिन्ह यानी कि एक बॉर्डर होगा, इसके बीच में पृष्ठभूमि होगी, पृष्ठभूमि के बीच में साइकिल बनाई या हॉर्न बनाया होगा। तो ये हॉर्न जो हॉर्न बजाना अनिवार्य संकेत होता है इसका किस कलर में होता है, सफेद रंग में होता है। तो आप संकेतों में देख सकते हैं कि हॉर्न बजाना अनिवार्य, उसमें जो चिन्ह का आकार होता है वो सफेद रंग में बनाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको जो न्यूनतम गति सीमा है उसका चिन्ह बताया था, उसमें भी 30 जो लिखे हुए थे वो सफेद कलर में थे, जो 30 बनाए हुए थे वो सफेद कलर में थे, वही इस प्रश्न में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 23 है, इंजन के भागों के संबंध में गलत कथन बताना है, इंजन के भाग है उसके संबंध में गलत कथन बताना है। पिस्टन कनेक्टिंग रोड से पिस्टन रिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि पिस्टन कनेक्टिंग रोड से पिस्टन रिंग के माध्यम से जुड़ा रहता है, यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर सबसे पहले पिस्टन होता है, यहाँ पर छोटा सिरा जो कनेक्टिंग रोड का है यह पिस्टन पिन से जुड़ता है न कि पिस्टन रिंग से। पिस्टन रिंग तो यहाँ पर जो पिस्टन होता है यहाँ इसके ऊपर बनाई जाती है, पिस्टन रिंग तो क्या है ऊपर इसके लगाई जाती है। तीन रिंग होती है, इसके प्रकार पूछे तो दो प्रकार होते हैं, एक तो दो तो होती है कंप्रेशन रिंग, एक होती है ऑयल रिंग। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि भी जो पिस्टन है, दोबारा से बता देता हूँ मैं, यहाँ पर जो पिस्टन है इस पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने वाली जो होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसको पिस्टन रिंग नहीं कहा जाता, पिस्टन पिन होता है, ये होती है पिन, यहाँ पर जो होती है इसको कहते हैं पिन, और इस पिन का नाम होता है रिस्ट पिन या गजन पिन या पिस्टन पिन, तीन नाम इसके होते हैं, रिस्ट पिन, गजन पिन या पिस्टन पिन, लेकिन मैंने यहाँ पर दे दिया पिस्टन रिंग, इसीलिए यह कथन हो गया गलत। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के प्रश्न देखते हैं, कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी रहती है, बिल्कुल सही बात है, सबसे ऊपर पिस्टन होता है, इस पिस्टन को नीचे कनेक्टिंग रोड होती है और ये कनेक्टिंग रोड जो यहाँ पर शाफ्ट बनी होती है इस शाफ्ट से ही जुड़ी रहती है, क्या कनेक्टिंग रोड, यानी कि जो कनेक्टिंग रोड है वो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से आपस में इनको जोड़ता है, यानी कि नीचे तो हो गई ये क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया पिस्टन और ये हो गई कनेक्टिंग रोड, इन दोनों को जोड़ने वाली, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कैमशाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी रहती है, बिल्कुल सही बात है, सबसे नीचे पिस्टन के नीचे ये तो क्रैंक शाफ्ट हो गई और यहाँ सबसे ऊपर में होती है कैम शाफ्ट। अब ये दोस्तों दोनों यहाँ पर दोनों पे एक एक पहिया लगाया होता है, यानी कि यहाँ पर जो गियर लगा रहता है और ये फेन बेल्ट के माध्यम से आपस में वो जुड़े रहते हैं और इसी कैम शाफ्ट के ऊपर, इसी कैम शाफ्ट के ऊपर है दोस्तों ये क्रैंक शाफ्ट नीचे हो गई और ये कैमशाफ्ट ऊपर हो गए, इसी कैमशाफ्ट के ऊपर जो वाल्व होते हैं वाल्व मैकेनिज्म में, यानी कि जो ईंधन जहाँ से अंदर आता है बाहर निकलता है उन वाल्व को ऑपरेट यही कैमशाफ्ट करती है। तो यह ज़्यादा जानकारी हम जो
टेक्निकल क्लास होगी हमारी, उसमें हम जाने का प्रयास करेंगे। नंबर ऑप्शन चार, क्रैंकशाफ्ट ए के पिछले सिरे, क्रैंकशाफ्ट के यहाँ पर के पढ़ना आपको, क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील लगा होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो क्रैंकशाफ्ट होती है इसका जो रियर एंड होता है, फ्रंट एंड होता है, वहाँ पर तो मैंने बताया आपको कैमशाफ्ट जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? कैमशाफ्ट पुली के माध्यम से जुड़ी होती है। और दोस्तों जो रियर एंड होता है यहाँ पर फ्लाईव्हील होता है, यहाँ पर फ्लाईव्हील जुड़ा होता है। फ्लाईव्हील क्या होता है? एक बड़ा पहिया होता है और इसी फ्लाईव्हील पर दांते बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? दांते इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि ये एक प्रकार से रिंग गियर की तरह होता है, रिंग गियर की तरह काम करता है। और दोस्तों जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर का जो पिनियन गियर होता है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पिनियन गियर होता है स्टार्टर का, वो इसी फ्लाईव्हील के जो रिंग गियर है इसके साथ में टच होके इसको घुमाता है, कि इसको फ्लाईव्हील को, तो फ्लाईव्हील घूमेगा तो इससे जुड़ा हुआ है कैमशाफ्ट, सॉरी क्रैंकशाफ्ट, तो ये क्रैंकशाफ्ट घूमेगी और क्रैंकशाफ्ट घूमते ही ये इंजन स्टार्ट है वो हो जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि आपसे ये पूछ ले कि स्टार्टर है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर से सबसे पहले कौन सा भाग घूमता है, तो आपको बताना है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्रैंकशाफ्ट है वो बताना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में है वो रखनी है। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। ये चिन्ह अनिवार्य संकेत दर्शाता है, गोलाकृति में मतलब अनिवार्य है, ये क्या दर्शा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रवेश निषेध, वाहन निषेध, ओवरटेकिंग निषेध, एक तरफा संकेत। तो यहाँ पर आपको प्रवेश निषेध ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें दो एरो होते, एक जाने का एक आने का, और दोनों में से किसी एक को काट देते तो दोस्तों हम इसको प्रवेश निषेध नहीं कहते, तब हम इसको एक तरफा रास्ता या वन वे के नाम से जानते। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही एरो है और इसको काट दिया गया है, यानी कि नो एंट्री, प्रवेश निषेध। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। वह संकेत जो किसी कार्य के बारे में यह करो यह नहीं करो के का संकेत करता है, दोस्तों ये मैंने पहले भी बता दिया है, ये आदेशात्मक संकेत होते हैं जो किसी कार्य को अनिवार्य रूप से करने या नहीं करने का संकेत करते हैं। जैसे कि हॉर्न का होता है, एक संकेत होता है जिसमें हॉर्न का सिंबल बनाया होता है, वो कहता है कि हॉर्न बजाना अनिवार्य है। एक होता है हॉर्न बजाना निषिद्ध है, यानी आपको एक जगह हॉर्न बजाना है एक जगह नहीं बजाना। कौन कह रहा है? अनिवार्य संकेत, यानी कि जो आदेशात्मक संकेत होते हैं वो किसी कार्य को करने या नहीं करने का संकेत है वो करते हैं। वह संकेत जो आदेशात्मक संकेत की श्रेणी में शामिल नहीं होता, आपको इन चार संकेतों में से वो संकेत बताना है जो अनिवार्य या आदेशात्मक संकेत नहीं है। हॉर्न अनिवार्य बिल्कुल होता है, अनिवार्य दायां मोड़ ये भी होता है, रेलवे स्टेशन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों रेलवे स्टेशन है ये एक सूचनात्मक संकेत है, होता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, शीतलक स्तर की जांच कब की जानी चाहिए? कुछ स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो गए कि शीतलक शब्द होता क्या है, यानी कि कूलेंट, यानी कि जो रेडिएटर का जो पानी होता है, रेडिएटर प्रणाली में जो लिक्विड होता है उसे शीतलक या कूलेंट के नाम से हम जानते हैं। यह इस ऑप्शन नंबर एक है, इंजन शुरू करने के बाद जब वह गर्म हो जाता है, शीतलक की जाँच कब करते हैं? जब इंजन शुरू करने के बाद जब वह गर्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब वाहन एक समतल भूमि पर होता है, बिल्कुल सही बात है। जब वाहन एक सीधी ढाल भूमि तल पर होता है, बिल्कुल सही है। मतलब जब वाहन एक सीधी ढाल भूमि तल पर होता है यानी ढाल में होगा तो नहीं करना है। इंजन शुरू करने से पहले जब वह ठंडा होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी सबसे अच्छा ऑप्शन है। हालांकि ऑप्शन नंबर बी सही है, जब समतल भूमि पर है तब करना चाहिए, लेकिन रेडिएटर में समतल भूमि ज़्यादा मायने नहीं रखती। जबकि आपको इंजन स्टार्ट करने से पहले जब इंजन ठंडा होता है उसी समय आपको कूलेंट है उसका लेवल चेक कर लेना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक खड़ी हुई कार को पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, सीधी सी बात है, खड़ी कार है तो उसके अचानक दरवाजे उसके अंदर बैठा कोई यात्री खोल सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कार के दरवाजे अचानक से हैं वो खुल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 इतना शानदार प्रश्न है कि आपने शायद इसको पहले पढ़ा नहीं होगा। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, राजस्थान हाईकोर्ट में भी पूछा गया था, तो इसलिए मैंने भी एक प्रश्न आपको दिया था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माना राशि लगाई जाएगी। धारा 177 है वो, पहले अपराध पर दोस्तों आप सभी को पता है 500 रुपये का जुर्माना है, सभी जानते हैं, लेकिन ये मैं पूछता तो आप सभी कर देते। मैंने दूसरी बार अपराध करने पर पूछा है, ये तो पहली बार अपराध है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल 1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुछ स्टूडेंट्स ये रट्टा लगाते हैं कि भी ज़्यादातर धाराओं में पहले अपराध के लिए 500 है और दूसरे के लिए 1000 है, लेकिन यहाँ पर ये नियम लागू नहीं हुआ। किस पे? धारा 177 पे ये ट्रिक काम नहीं करी।
इसीलिए मैंने आपको जो अपवाद थी वो धारा आपको बताई है। ज़्यादातर धाराओं में आपको 500 और 1000 ही नज़र आएंगे, लेकिन धारा 177 है उसमें आपको 1500 रुपये वो लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 है, उसके तहत दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माना राशि 1500 रुपये है, और बाकी कैद या लाइसेंस रद्द का प्रावधान है इसमें ना नहीं किया गया, केवल 1500 रुपये का प्रावधान है किया गया है। प्रश्न संख्या 30 है, गाड़ी के किस मीटर में 99,999 जैसी संख्या प्रदर्शित होती है। यहाँ पर सीधी सी बात है, ओडोमीटर होता है। एक तो होता है चाल मापी यानी कि गति जो बताता है गाड़ी की, एक होता है चक्कर मापी यानी कि गाड़ी के चक्कर जितने चक्कर काटेगा उनकी काउंटिंग करेगा यानी कि ओडोमीटर। एक होता है गेज, एक होता है गुण चाल मापी यानी कि टेकोमीटर जो कि वाहन के शाफ्ट की जो स्पीड है उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जिसे हम आरपीएम मीटर भी बोलते हैं, टेकोमीटर को आरपीएम मीटर भी बोला जा सकता है, आपको ये भी ध्यान में है वो रखना है। तो गाड़ी के किस मीटर में 99,999 जैसी संख्या प्रदर्शित करता है ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं GVWR फुल फॉर्म यानी कि GVWR का पूरा नाम बताना है। तो ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग गलत हो जाएगा, ग्रोस व्हीकल वेज रेटिंग गलत हो जाएगा, ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सकल वाहन भार होता है उसकी बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में आता है। हेडलाइट में अंतर्गोल, उत्तल दर्पण, अवतल उत्तल, बहिर्गोल। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न मैंने पूछा है और यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग कई एग्जामों में कई बार वो किया जा चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हेडलाइट होता है उसमें हम देखते हैं अवतल दर्पण होता है, कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। तो अवतल का तो ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो सीधी सी बात है भी उत्तल होगा नहीं, अवतल उत्तल दोनों भी नहीं होंगे, फिर बचा अंतर्गोल और बहिर्गोल। तो मैं बता देता हूँ, उत्तल दर्पण का नाम ही अंतर्गोल है, मतलब कि ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बहिर्गोल या मध्योन्नत भी इसका नाम आ सकता है, मध्योन्नत, मध्योन्नत आपको ये नाम भी याद रखना है। तो यानी मध्योन्नत या बहिर्गोल दर्पण होता है उसे हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, अवतल। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उत्तल तो होता है साइड मिरर और रियर व्यू मिरर में, और अवतल होता है हेडलाइट में, लेकिन आपको इनके जो अन्य नाम है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे मैंने जो वीडियो क्लास है कोर्स में उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर कंप्लीट रूप से समझाया है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। प्रत्येक जो टॉपिक है टॉपिक वाइज मैंने लगभग 36 क्लास अपलोड कर दी है, तो आप सभी टॉपिक अगर देख लेते हैं तो आपकी लगभग तैयारी में मान सकता हूँ 95% है वो पूरी हो जाती है, फिर आपको अलग से एक्स्ट्रा थोड़ा सा करने की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 33 है, LMV लाइसेंस हेतु शैक्षिक योग्यता होती है, 8वीं शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं, साक्षर, साक्षर हो, साथ ही सड़क नियम संकेतों की जानकारी। यहां पर देखो तीन ऑप्शन सही है, आप कहोगे बिल्कुल मैं भी कहता हूं ये बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन मैंने कहा कि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जो सबसे बेस्ट जवाब होता है वही उस प्रश्न का जो सही जवाब है माना जाता है। यहां पर मैं बता दूं जो मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 यानी कि 2019 में जो संशोधन हुआ है उसमें यह कहा गया है कि आप अगर लाइसेंस बनवाते हैं तो आपके पास में जो शैक्षिक योग्यता थी, जो यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, उसको अब हटा दिया गया है। लेकिन वहाँ पर लिखा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है, हालांकि शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको केवल साक्षर होना जरूरी है, और साक्षर को हम दोस्तों शैक्षिक योग्यता नहीं कहते, ठीक है। यहाँ पर साक्षर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़ सकता है और लिख सकता है, और जिसकी उम्र कब कितनी हो हम यानी कि साक्षर किसे कहते हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल हो गई हो वो किसी एक भाषा को पढ़ या लिख सकता है उसे हम साक्षर कहते हैं। यानी कि आपको एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, चाहे आप 5वीं फेल भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाता है, लेकिन सी भी सही है, योग्यता क्या मांगी गई है, साक्षर मानना, लेकिन डी क्या कह रहा है, डी ये कह रहा है कि साक्षर तो होता ही है, साथ में आपको लाइसेंस के लिए आपको सड़क के नियम और संकेतों की जानकारी भी होनी चाहिए, इसके बगैर भी तो लाइसेंस नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पर साक्षर करने का उद्देश्य क्या था कि ये साक्षर होगा तो ये सड़क के नियमों को पहचान पाएगा, सीख पाएगा, उनका पालन कर पाएगा, वो संकेत है उसको भी समझ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको करना है यहाँ पर राइट। तो आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे,
प्रश्न संख्या 34 है, भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन को चुनना है, यह एक प्रदूषण मानक है। बिल्कुल सही बात है, भारत में इसकी शुरुआत 2001 में हुई है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2000 इसकी शुरुआत तो 2001 में हो सॉरी 2000 में हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी देखते हैं, BS4 वाहनों के लिए 2017 में लागू किया गया, बिल्कुल सही बात है। BS5 को आज तक लागू नहीं किया गया, यह भी सही बात है। तो यानी कि गलत कथन कौन सा था, गलत कथन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में इसकी शुरुआत 2001 में नहीं, इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। 2001 में तो इसको BS2 को लागू कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, राज्य सरकार के अधीन आने वाले राजमार्ग यानी कि SH यानी कि स्टेट हाईवे पर मील साइन है वो बने होते हैं। पीला कलर आपको पता है NH का होता है, लाल पत्थर होता नहीं है, भूरे पत्थर होते नहीं है, हरे पत्थर पर काले अक्षर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल है, वाहन का पंजीकरण अगर आप पहली बार करवा रहे हैं तो आपको फॉर्म नंबर 20 भरना है। कौन सा भरना है, फॉर्म नंबर 20 भरना है। रिन्यू के लिए फॉर्म नंबर 25 भरना है, और वाहन बेचने पर आपको फॉर्म नंबर 29 भरना है, और डुप्लीकेट आपको पंजीकरण करना है तो फॉर्म नंबर 26 आपको है भरना पड़ेगा। तो ये फॉर्म का भी टॉपिक है, मैंने आपको कोर्स में करवा दिया है, आप वहाँ पर पूरा देख सकते हैं। वाहन लाइट के संबंध में गलत कथन कौन सा है, वाहन की जो लाइटें होती है उनके संबंध में प्रश्न पूछा गया है। लाल रंग ब्रेक लाइट, बिल्कुल सही होता है। पीला रंग साइड इंडिकेटर लाइट नंबर 3, बिल्कुल ये भी सही है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हरा रंग पार्किंग ब्रेक लाइट, ये गलत हो जाएगा। सफ़ेद रंग रिवर्स इंडिकेटर लाइट, यानी कि आप रिवर्स गियर डालते हैं गाड़ी में तो जो वाइट कलर की लाइट होती है वो ऑन होती है, ब्रेक दबाते हैं तो लाल लाइट होती है, और इंडिकेटर होता है जो उसका रंग है पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत हो जाएगा, पार्किंग ब्रेक लाइट होता है उसका रंग भी किस कैसा होता है दोस्तों, उसका रंग भी पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 38 है, वाहन के प्रदूषण के प्रमाण पत्र के बारे में सही कथन कौन सा है। यहाँ पर प्रदूषण यानी कि PUCC 2017 के बाद नए वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ऐसा तो कदापि नहीं है। आपको यहाँ पर सही कथन पूछा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। आप ये मत सोचना कि गुरुजी हमेशा गलत ही गलत पूछते हैं, मैंने यहाँ पर गलत नहीं सही पूछा है, सही कौन सा है। तो क्या दोस्तों ये सही है क्या, 2017 के बाद में जो नया वाहन खरीदेंगे उसको PUCC की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, तो इसका मतलब ये गलत कथन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, 2017 के बाद नए खरीदे गए वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र की 12 माह के लिए जारी किया जाता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 2017 के बाद में जो नया वाहन खरीदेंगे तो उसकी वैलिडिटी PUCC की कितनी होगी, 12 माह होगी। मैं अगले ऑप्शन पहले बता देता हूँ, BS6 वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है, क्यों भी BS6 के लिए भी PUCC तो आवश्यक है। प्रत्येक वाहन के लिए PUCC तो आपको बनाना ही पड़ेगा। BS6 वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र 6 माह के लिए जारी किया जाता है, ये भी गलत है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। दोस्तों मैंने आपको सेंटेंस 2 बताया कि 2017 के बाद में नए वाहन खरीदेंगे उनका PUCC 12 माह के लिए जारी होगा, तो इसका मतलब क्या है, आप सभी को पता है भारत में अभी BS सीरीज चलती है, BS यानी कि भारत स्टेज, तो यहाँ पर BS की शुरुआत है वो 2000 में होती है, 2001 में BS सेकेंड आता है, 2005 में BS थर्ड आता है, सॉरी 2005 में BS है वो तीसरा आता है, वो चौथा है वो 2017 में आता है, चौथा है वो 2017 में आता है। और 2017 आते ही यहाँ पर क्या कहा जाता है कि भी BS4 कब आया, 2017 में, कब आया 2017 में। तो इसका मतलब है कि 2017 के बाद में जो वाहन खरीदेंगे उसके लिए नहीं है, यानी कि जो BS4 के वाहन हैं या BS6 के जो वाहन हैं इनके लिए जो PUCC होगा उसकी वैलिडिटी 12 माह के लिए होगी। तो इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि BS4 कब आया था, 2017 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2017 के बाद में जो वाहन खरीदेंगे वो या तो BS4 का होगा या BS6 का होगा। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि भी 2017 के बाद में खरीदे गए वाहनों का जो PUCC होगा वो 12 माह के लिए जारी होगा। तो आपने ये समझ लिया होगा कि भी 2017 के बाद नए खरीदे गए वाहनों का PUCC है वो 12 माह के लिए क्यों होता है, क्योंकि 2017 के बाद में जो वाहन खरीदेंगे वो या तो BS4 का होगा या BS6 का होगा। अगर BS4 और 6 का है तो दोस्तों BS4 और 6 के लिए PUCC की वैलिडिटी कितनी होती है, 12 माह के लिए होती है। और इससे जो पुराने वाहन होते हैं उनके लिए PUCC की वैलिडिटी 6 माह के लिए होती है। तो केवल ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं,
सूचनात्मक चिन्हों का बाहरी परिप्रेक्ष्य यानी कि बॉर्डर, अंदरूनी परिप्रेक्ष्य यानी कि पृष्ठभूमि, चिन्हों का रंग क्रमशः होता है। आप सभी जानते हैं सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, इनका जो बॉर्डर होता है वो नीले कलर में होता है, ठीक है। इसके अंदर जो पृष्ठभूमि होती है वो सफ़ेद रंग में होती है, चिन्ह होता है वो काले में भी होता है और लाल में भी होता है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका पुष्टि करने के लिए आप जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं उन्हें देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, वीडियो काफ़ी लंबा बन सकता है लेकिन मज़ा आएगा आपको समझने में, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप फटाफट केवल पर्सनल रिवीजन पे विश्वास करते हैं या ऐसी डेफिनेशन पे विश्वास करते हैं ताकि आगे का जो वीडियो आएगा उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करने से समझ में आता है, मज़ा आता है, तो दोस्तों हम लंबा बनाएंगे। अगर आपको छोटा चाहिए तो हम इस वीडियो को 5 से 7 मिनट में भी क्लियर है वो कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, वाहनों में टायर रोटेशन का अर्थ होता है, टायर रोटेशन यानी कि बदलाव, टायरों का स्थान परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी से इसका जवाब है हो जाएगा। रोटेशन की मैं बात करता हूँ, 4 टायर होते हैं वाहन में लगभग। अब रोटेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर माना कि लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट को राइट में ले आओ, राइट को लेफ्ट में ले जाओ, ठीक है। यहाँ होता है रियर एंड, यहाँ होता है फ्रंट एंड, तो फ्रंट को आपको रियर में ले जाना है और रियर को आपको फ्रंट में ले आना है, यानी कि आगे के टायर पीछे, पीछे के टायर आगे, और राइट साइड के टायर लेफ्ट में और लेफ्ट के राइट में, यानी कि आपको आपस में स्थान परिवर्तन करना है ताकि इनका जो घर्षण है, इनका जो घिसाव है वो समान रूप से रह सके। अनियमित घिसाव को रोकने के लिए टायर रोटेशन किया जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, चालक लाइसेंस के संबंध में गलत कथन चुने, ऑप्शन नंबर एक, मोटरसाइकिल के लिए 16 वर्ष में आवेदन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मोटर यहाँ पर गलत पूछा दोस्तों, मोटर कार के लिए हेतु लाइसेंस हेतु 18 वर्ष के बाद में आवेदन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। भारी मोटर लाइसेंस हेतु 18 वर्ष उम्र और 1 साल का लाइट लाइसेंस अनुभव होने पर आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त है वो किया जा सकता है, लेकिन ये दोस्तों गलत बात है, क्योंकि भारी मोटर वाहन का मतलब है परिवहन लाइसेंस, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए दोस्तों उम्र है वो 20 साल मांगी गई है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एक खतरनाक माल या ज्वलनशील माल वाहक के लिए 3 साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है, ये भी सही है। तो ए बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है और गलती हमें बताना है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, फिटनेस प्रमाण पत्र का अन्य नाम से, प्रमाण पत्र को अन्य नाम से नहीं जाना जाता है, यानी कि नीचे दिए गए नामों में से ऐसा नाम कौन सा जो फिटनेस प्रमाण पत्र का नहीं है। जो फिटनेस प्रमाण पत्र होता है इसके कई नाम होते हैं, तो आपको ये बताना है कि नीचे दिया गया नाम ऐसा कौन सा नाम है जो फिटनेस प्रमाण पत्र का नहीं है। तो पहला है सूक्ष्मता प्रमाण पत्र, उपयुक्तता प्रमाण पत्र, योग्यता और स्वस्थता प्रमाण पत्र। दोस्तों जैसा कि नाम से पता चलता है फिटनेस यानी कि शरीर की जो फिटनेस है वो सही है या नहीं है, तो यहाँ पर सूक्ष्मता नहीं होगा। अगर यहाँ पर आता सक्षमता, सक्षमता मैंने शब्दों का खेल यहाँ पर खेला है, एक तो होता सक्षम यानी कि योग्य है, यहाँ पर हो गया सूक्ष्म यानी छोटा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो सूक्ष्मता है ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी उपयुक्तता यानी कि गाड़ी सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त है, योग्यता यानी कि सड़क पर चलने के लिए योग्य है, स्वस्थता यानी कि सड़क पर चलने के लिए स्वस्थ रूप से योग्य है, यानी कि आपा मारवाड़ी में कहवा नहीं तू स्वस्थ है कि स्वस्थ है, तो फिर तो आपा कोई काम भी कर सका हाँ, ठीक है। तो स्वस्थता, योग्यता, उपयुक्तता, सक्षमता, ये 4 शब्द है फिटनेस प्रमाण पत्र के अन्य नामों में आते हैं। ये भी प्रश्न एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। टायरों में नाइट्रोजन गैस के क्या लाभ होते हैं, आप सभी को पता होगा। वैसे साधारण भाषा में हम देखें तो वातावरण में सबसे ज़्यादा जो वायु है वो नाइट्रोजन की होती है, तो हमें अगर हम टायरों में हवा भराते हैं तो लगभग नाइट्रोजन ही जाती है, लेकिन मिश्रित नाइट्रोजन जाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनके भी कण हैं वो अंदर चले जाते हैं, वाष्प के कण हैं। तो ये क्रियाएं जो गैसें होती है आपस में मिलकर आपस में टायर के अंदर लड़ती है और लड़ने से टायर को नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये एक तो मारवाड़ी फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये चीज़ें मैं मारवाड़ी में यहाँ पर बताता हूँ कि भी लड़ती है, क्रिया करती है, टायर को नुकसान पहुंचाती है, कौन सी, जो ये अन्य गैसें होती है नाइट्रोजन के साथ में मिलकर। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है, तो इससे मतलब है टायरों का लाइफ बढ़ेगी यानी कि जीवन बढ़ेगा, उनका टाइम है वो बढ़ेगा, वो ज़्यादा देर तक चलेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन में हो,
उपरोक्त सभी ऑप्शन में होता है तो आपको क्या करना है, वाहन में क्रूसिंग प्रभाव प्रदान करना यानी कि सड़क पर सही पकड़ बनाए रखना, शॉक्स और कंपन को देखना या इनको कम करना, ये सारे ही दोस्तों वैसे तो मतलब कि सही ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन नहीं है तो हमें टायरों की लाइफ बढ़ाना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि क्रूसिंग प्रभाव यहाँ पर प्रदान करेगा यानी कि घर्षण है वो सड़क के साथ में है वो आपको ज़्यादा प्रदान करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है वो होगी तो टायर में अन्य गैसें हैं वो क्रिया नहीं करेगी तो टायर का जो रबड़ मुलायम रहेगा तो सड़क के साथ में सरफेस पर वो घर्षण है वो अच्छी पकड़ है वो मजबूत बनाए रखेगा, घर्षण भी अच्छी तरीके से रखेगा, उससे क्या है आप जैसे ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी आसानी से रुक पाएगी, और कंपन है स्वच्छ वो भी ज़्यादा देगा क्योंकि टायर हार्ड नहीं होगा मुलायम रहेगा, अगर नाइट्रोजन गैस होगी तो अंदर क्रियाएं नहीं होगी, टायर को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो टायर मुलायम रहेगा, वो मुलायम टायर है वो गाड़ी को कम झटके प्रदान है वो करता है, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं है तो ऑप्शन नंबर एक सही होगा टायरों की लाइफ बढ़ाना। प्रश्न संख्या 44 है, एग्जॉस्ट गैसें मफलर में से निकलती है किस कारण, जिस कारण आवाज़ बढ़ जाती है, आवाज़ समाप्त हो जाती है, आवाज़ कम हो जाती है, इनमें से कोई नहीं, आवाज़ समाप्त नहीं होती, बढ़ती भी नहीं है लेकिन कम हो जाती है, सी है वो सही जवाब हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप लगता है। आपको पता है कि भी जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें तो पेट्रोल है इनलेट जो मैनिफोल्ड होता है उसके अंदर से आ जाता है, लेकिन जो डीजल होता है उसमें गर्म हवा पर डीजल का छिड़काव करने के लिए फ्यूल इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर ये किस इंजन में होगा, डीजल इंजन में होगा, किस में होगा, डीजल का स्प्रे करने के लिए यानी कि डीजल का छिड़काव करने के लिए डीजल इंजेक्टर यानी कि फ्यूल इंजेक्टर है इसका प्रयोग किया जाता है, इसे हम फ्यूल इंजेक्शन भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, प्रोपेलर शाफ्ट में प्रयोग होता है, प्रोपेलर शाफ्ट में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पर गियर बॉक्स है, क्या है, गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स है, यहाँ पर शाफ्ट निकली तो यहाँ पर एक योक होगा, क्या होगा, एक योक होगा, एक योक यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट होगा, ये होगी आपकी प्रोपेलर शाफ्ट, यहाँ पर फिर से एक योक होगा, यहाँ पर फिर से एक योक होगा जो कि डिफरेंशियल से जुड़ेगा। अब आपको मैंने प्रश्न क्या पूछा, प्रोपेलर शाफ्ट में प्रयोग होते हैं चार योक, दो योक, एक योक, दो योक, योक किसे कहते हैं, जो वाई के आकार का होता है इसे योक बोलते हैं, तो यहाँ पर इस जो प्रोपेलर शाफ्ट है इसके स्वयं के तो दो योक है, एक तो एक ये हो गया, एक ही हो गया, लेकिन इसके साथ में जो यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं यहां पर इनके भी तो दो योक होते हैं, ये तीन नंबर हो गया, ये चार नंबर हो गया, ये भी एक प्रकार से प्रोपेलर शाफ्ट का हिस्सा है, क्योंकि जो यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं ये इसी प्रोपेलर शाफ्ट के भाग होते हैं, तो इसीलिए यहां पर पूछा कि भी प्रोपेलर शाफ्ट में प्रयोग होते हैं चार योक और दो यूनिवर्सल जॉइंट। अब यूनिवर्सल जॉइंट किसे कहेंगे, यूनिवर्स ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि योक किसे कहते हैं, योक यानी वाई की आकृति का, एक ये होगा, एक ये आपस में जुड़ेंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, ये भी आपस में जुड़ेंगे, तो दो प्लस दो योक चार योक हो गए। अब मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल जॉइंट कितने होते हैं, तो यहाँ पर एक योक इधर से आया, एक योक इधर से आया, इस बीच में लगा क्रॉस पिनियन, क्रॉस पिनियन से ये दोनों योक जुड़े यानी कि एक यूनिवर्सल जॉइंट बन गया, उसी प्रकार से इधर भी एक योक ये हो गया, एक योक ये क्रॉस पिनियन आपस में जुड़ा यूनिवर्सल जॉइंट बन गया, यानी कि एक गाड़ी में एक प्रोपेलर शाफ्ट के दोनों सिरों पर दो यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं, कितने, दो यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं। योक की बात करते हैं तो योक चार होते हैं, बात करते हैं क्रॉस पिनियन की तो यहां पर क्रॉस पिनियन एक इस यूनिवर्सल जॉइंट में होगा और एक इस यूनिवर्सल जॉइंट में होगा, तो यहां पर दो क्रॉस पिनियन होते हैं। तो आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ये चीजें ड्राइवर के लिए जानना जरूरी है और यहां से प्रश्न आ सकता है। तो यूनिवर्सल जॉइंट पूछे तो दो होते हैं, योक की पूछे तो चार होते हैं, क्रॉस पिनियन की पूछे तो दो होते हैं, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 47 है, डिफरेंशियल का प्रयोग होता है गाड़ी को मोड़ते समय, एकदम सिंपल प्रश्न है, बाकी डिटेल से जानकारी क्लास में हम सीखेंगे। गाड़ी को स्टार्ट करते समय मिलते हैं, ये मैंने आपको इस इंजन इस क्लास के स्टार्ट होते ही बता दिया था कि भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, फ्लाईव्हील का सन गियर स्टार्टर गियर के रिंग गियर से जुड़ता है, फ्लाईव्हील का रिंग गियर और स्टार्टर का रिंग गियर आपस में जुड़ता है, फ्लाईव्हील का पिनियन गियर और स्टार्टर का रिंग गियर, फ्लाईव्हील का रिंग गियर और स्टार्टर का पिनियन गियर, यानी कि गाड़ी को स्टार्ट करते समय मिलते हैं, कौन मिलते हैं, फ्लाईव्हील का तो क्या होता है रिंग गियर होता है और स्टार्टर का होता है पिनियन गियर, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये पिनियन गियर घूमेगा तो ये रिंग गियर को घुमाएगा, रिंग गियर यानी कि फ्लाईव्हील के ऊपर दांते होते हैं इसलिए इसे रिंग गियर कहते हैं, ये घूमेगा तो ये फ्लाईव्हील है किससे जुड़ा होता है, क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है, सॉरी क्रैंकशाफ्ट से,
क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो 48 है बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपके वाहन के ब्रेक अचानक फेल हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है? वाहन को सड़क के किनारे की ओर ले जाएंगे, गाड़ी को किसी रेत के टीले में घुसा देंगे, हैंड ब्रेक का प्रयोग करेंगे, हजार्ड लाइट को ऑन करेंगे? काम तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप सभी कर सकते हैं, लेकिन पूछा है सबसे पहले क्या करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जरूरी है कि जैसे ही आपकी गाड़ी के ब्रेक होने की आपको सूचना मिलती है, आपको पता चलता है, आपको महसूस होता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, तो आपको सबसे पहले सुरक्षित रहने के लिए बाकी के जो वाहन है आपके आगे और पीछे जो आ रहे हैं उनको भी ये बताना पड़ेगा कि भी आपकी गाड़ी के जो ब्रेक फेल हो गए हैं, ताकि वो आपसे उचित दूरी बनाए रखें। उसके लिए आपको अपनी गाड़ी की जो हजार्ड लाइट है उसको ऑन कर देनी है। इससे क्या होगा, पीछे के वाहन है वो भी सचेत हो जाएंगे और आगे से जो वाहन आ रहे हैं वो भी सचेत हो जाएंगे कि भी इस गाड़ी में कोई ना कोई इमरजेंसी दिक्कत आ गई है, हमें इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला होगा हजार्ड लाइट का प्रयोग करना। बाद में आपको बार बार ब्रेक पेडल को दबाना पड़ेगा और ब्रेक पेडल को बार बार दबाकर यह प्रयास करना पड़ेगा कि ब्रेक है वो काम कर जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो आपको गाड़ी को साइड में किनारे की ओर ले जाते समय धीरे धीरे हैंड ब्रेक का भी प्रयोग करना है और अपनी गाड़ी को डाउन गियर में लाते जाना है। तो इस प्रकार से ब्रेक होने पर यह प्रश्न है, ये कई बार इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन मैंने यहां पर आपको पूछ लिया है तो इसका सही हो जाएगा हजार्ड लाइट का प्रयोग करना। हजार्ड लाइट क्या होती है, वाहन के अंदर एक त्रिभुज बना होता है और यहां पर डबल त्रिभुज बना होता है, और इस त्रिभुज का मतलब होता है कि यह एक इमरजेंसी लाइट है, यानी इसका प्रयोग आप केवल आपातकालीन स्थिति में करते हैं। और इसके ऑन करने पर वाहन की जो पार्किंग की जो लाइटें होती है, जितनी भी जो इंडिकेटर होते हैं वो एक साथ ब्लिंक है वो करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 50 है, वाहन के संबंध में गलत कथन को चुनना है। कूलेंट हमेशा इंजन को ठंडा करने का काम करता है, बिल्कुल सही बात है, गलत बताना है आपको। जब इंजन ठंडा रहता है तो कूलेंट रेडिएटर में नहीं आता, केवल इंजन में ही घूमता रहता है, ये भी सही है। थर्मोस्टेट वाटर आउटलेट पर फिट होता है, ये भी सही है। इंजन होता है, इंजन से जहाँ से पानी निकलता है तो यहाँ से थर्मोस्टेट होता है, और थर्मोस्टेट से जो पानी है उस रेडिएटर के अंदर है वो आता है, रेडिएटर से वापस ये कहाँ जाता है, पाइप से इंजन की ओर जाने का काम है वो करता है, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट होता है, इंजन से बाहर पानी आता है ताम वहाँ पे, यहाँ से थर्मोस्टेट से वहाँ से डायरेक्ट भी यहाँ से सप्लाई होती है। जब थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है तो ये पानी इंजन से थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट से वापस डायरेक्ट इंजन में है वो चलता रहता है। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी सही है, थर्मोस्टेट इंजन को ठंडा करने का कार्य करता है। दोस्तों यहां पर जो थर्मोस्टेट है ये इंजन को ठंडा नहीं करता, ठंडा तो करता है कूलेंट, लेकिन थर्मोस्टेट है ये एक वाल्व होता है जो ऑन और ऑफ होता रहता है। इसके बारे में हमने कई बार जानकारी प्राप्त कर ली है, विस्तार से जानकारी हम क्लास में लेंगे। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं, इस टेस्ट की आंसर की देखने के लिए आपको यानी कि इस लिंक पे करना है, ये तो इसी वीडियो का लिंक दिया हुआ कोई बात नहीं है, इससे जो क्लास है इसकी पीडीएफ आपको है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर आप जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा अभ्यास है वो कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, आज हम इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस पेपर को देख कर आपको क्या लगा कि भी पेपर कैसा है और किस पैटर्न पे आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो मैंने पूरा प्रयास किया है, यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है 50 प्रश्न आपके जो आए हैं इनमें से 35% तो आपके ड्राइविंग स्किल से आएंगे और 15% है आपके ड्राइविंग मेंटेनेंस या वाहन के रख रखाव से यहाँ से आने वाले हैं, या वाहन का जो पुर्जे होते हैं, वाहन के जो औजार उपकरण या वाहन के संबंध में जो जानकारी होती है वो एक जो एक ड्राइवर को होनी चाहिए वो जानकारी आपको पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपको 50 में से जो 35% का पोर्शन है ये आपको कंठस्थ आपको कंप्लीट है वो सीखना है, और 15% जो आपके वाहन के टेक्निकल या वाहन की मेंटेनेंस या रख रखाव से जो आएंगे इन पे आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है, लेकिन ज़्यादा तैयारी आपको है वो इसकी करनी है जो स्किल है। स्किल से अगर आप गलत प्रश्न कर देते हैं तो दोस्तों आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, और दोस्तों इसके लिए हम ऑनलाइन बैच तैयारी करवाते हैं, ऑनलाइन हमारा कोर्स है वो चल रहा है। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, ऐप का लिंक आपको दिया गया है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रत्येक दिन एक ऑनलाइन टेस्ट है आपको इस ऐप के अंदर आपको फ्री में मिलता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली टेस्ट दें, डेली टेस्ट दोगे तो अगर आप 60 या 65 या 70 दिन भी टेस्ट दे देते हैं तो आपकी तैयारी एकदम बेस्ट हो जाएगी और आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो दिल्ली पुलिस का हो, किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। दोस्तों, ड्राइवर का जो सिलेबस होता है वो सभी भर्तियों में सेम होता है। कंप्लीट कोर्स कॉम्बो ये ले लिया तो कुछ भी अलग से आपको नहीं लेना है। पहली बात बता देता हूँ, अगर आप स्टडी एट होम से हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो ले लेते हैं तो आपको अलग से न तो कोई टेस्ट सीरीज लेनी है, न कोई पुराने पेपर लेने हैं, न कोई ई बुक लेनी है, न कोई आपको पर्सन बैंक लेनी है। यानी कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको कोर्स के अंदर ही उपलब्ध है, वो हम करवा देते हैं। तो फिर आपको कुछ भी अलग से है वो नहीं लेना है। अगर आपने कॉम्बो कोर्स ले लिया तो आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना है। कोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ, कंप्लीट कोर्स वीडियो मिलेंगे, लाइव भी रहेंगे, रिकॉर्डेड भी रहेंगे। जो लाइव नहीं देख पाएंगे उनके लिए वो वीडियो रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स क्लास वाइज पीडीएफ आपको मिलेगी। यहां पर आपको मैं बता देता हूं, 36 क्लास हो चुकी है और 36 ही वीडियो और 36 ही पीडीएफ आपको यहां पर मैंने प्रोवाइड करवा दी है। और डेली टेस्ट में मैंने आज तक लगभग 26 टेस्ट है आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो 26 टेस्ट अभी तक दे चुके होंगे, ये मैं आशा करता हूं। जो आज इस टेस्ट को ज्वाइन करते हैं उनको भी ये 26 टेस्ट आपको एक साथ मिलेंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर माना कि कोई स्टूडेंट लेट या देरी से कोई कोर्स को ज्वाइन करता है तो उसको आज ये 26 टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पर टोटल लगभग आपको 100 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट है आपको टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, फुल सिलेबस ड्राइविंग स्किल और व्हीकल जो मेंटेनेंस की हमारी जो मेन बुक है 86 टॉपिक वाली, वो भी आपको यहाँ पर इसके साथ में मिल जाती है। ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक है, वो भी आपको इस कोर्स के अंदर ही साथ में मिल जाती है, अलग से आपको नहीं लेनी है। वाहन रखरखाव और मेंटेनेंस पर 2500 प्रश्नों की एक पर्सन बैंक हमने तैयार कर रखी है, वो भी आपको कोर्स में मिलती है। भारत के आज तक के पिछले ड्राइवर भर्तियों के 40 से अधिक जो पेपर पीडीएफ है वो आंसर के साथ में, ये भी आपको कोर्स के अंदर ही मिल जाता है, आपको अलग से नहीं लेना है। अगर आप अलग से लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आपको कोर्स में भी मिल जाता है। डेली एक टेस्ट इस कोर्स में है, आपको फ्री में मिलता है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या करवा दिया इस कोर्स में ये मैं बता देना चाहता हूँ। लगातार कोर्स में ऑनलाइन क्लास, पीडीएफ और डेली प्रैक्टिस टेस्ट और फुल टेस्ट अपलोड है वो हो रहे हैं। अभी तक 36 जो ऑनलाइन क्लास है वो अपलोड हो चुकी है, मैं अभी बताऊंगा कौन कौन सी हो चुकी है। अभी तक 36 क्लास की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, 25 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं, 4 फुल टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। कोर्स में कौन कौन सी पीडीएफ आपको मिलने वाली है वो मैं बता देता हूँ। ड्राइविंग स्किल जो स्टडी एट होम की मेन बुक है वो मेन बुक आपको यहाँ पर मिलती है इस कोर्स के अंदर। ड्राइविंग मेंटेनेंस और रखरखाव की मेन बुक जो हमारी है वो भी मिलती है। ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू की जो बुक है वो भी आपको इस कोर्स के अंदर साथ में मिलती है। इसके साथ में ड्राइवर टेक्निकल के 2500 प्रश्न बैंक पीडीएफ मिलती है। मनोज सर हाथ से लिखे व्हीकल मेंटेनेंस के नोट्स हैं वो आपको साथ में मिलते हैं। राज सर हाथ से लिखे व्हीकल मेंटेनेंस के नोट्स हैं वो भी मिलते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट पर स्पेशल नोट्स जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। और भारत की सभी पिछली ड्राइवर भर्तियों के जो पेपर पीडीएफ है वो आंसर के साथ में इसके साथ में आपको मिलते हैं। तो दोस्तों यहां पर अभी तक जो हमने कौन कौन सी क्लास अपलोड कर दी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। नीचे फोटो में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पीडीएफ और वीडियो क्लास है कोर्स में अपलोड है वो हम कर चुके हैं। तो यहां पर आप इसमें देखेंगे, यहां पर आप आराम से देख सकते हैं पीडीएफ वाइज मैंने क्लास यहां पर आपको दे रखी है, आप इसको रीड कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो पीडीएफ है हमने कोर्स के अंदर अपलोड कर दिए। ये सारी की सारी पीडीएफ जो आपको क्लास वाइज जो पीडीएफ है वो आपको कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में मिलती है। ये नहीं है कि हमने वीडियो को पीडीएफ नहीं मिली, ये सारी की सारी पीडीएफ है आपको कोर्स के अंदर है वो मिल गई है, अभी भी कोर्स के अंदर है, ये अपलोड की जा चुकी है। और इन सारे टॉपिक्स पर है हमने वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दिया है। कोर्स के अंदर आपको इस सारे के सारे जो क्लासें हैं 40 क्लास वीडियो क्लास है वो हमने अपलोड कर दी है। अगर आपको नहीं मिली है, आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी कोर्स कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। स्टडी एट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। ऐप खोलने पर आपको ओवर कोर्स ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। बाय नो का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। सबसे ऊपर कंप्लीट कोर्स कॉम्बो पैक के नाम से एक ऑप्शन आएगा, उसके साथ वाला अमाउंट है उसको सिलेक्ट करना है। क्लिक टू पे पर क्लिक करना है, पेमेंट को पूरा करना है। गो टू होम पे ऑप्शन आएगा, उस पर जाना है। फिर से कोर्स में जाओगे तो ओपन है हो जाएगा, आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। फिर भी किसी भी प्रकार की पेमेंट करने में, कोर्स को खरीदने में, कोर्स को ज्वाइन करने में, बुक्स प्राप्त करने में, टेस्ट लेने में,
पीडीएफ देखने में आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस टेस्ट के संबंध में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इस जो क्लास है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है या वीडियो है इसको आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ।